हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प फॉर सक्सेस। हेल्प फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ थायोपेंटोन सोडियम, इसका दूसरा नाम थायोपेंटल भी बोला जाता है। जो स्ट्रक्चर जो बात करेंगे हमारा, जो स्ट्रक्चर जो है, जैसा कि देख रहे हैं वहाँ पर स्ट्रक्चर में, बेसिकली जो थायोपेंटोन सोडियम होता क्या है, थायोपेंटोन सोडियम जो होता है ये हमारा क्या है, एक एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एनेस्थेटिक क्या होता है, ये वे ड्रग्स होते हैं जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी के समय जब पेन से रिलैव के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में नाम से ही पता चल रहा है आपका, थायो का मतलब क्या होगा, सल्फर ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सल्फर ग्रुप है, सल्फर ग्रुप थायो पेंटेन, पेंटेन का मतलब पाँच पेंटेन है, एंड सोडियम का मीन्स यस सोडियम आपका, ठीक। इसकी सिंथेसिस को जानने से पहले हम यदि स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें तो सिंथेसिस बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये मेनोलेट ग्रुप है, इथाइल मेनोलेट, ये हमारा क्या है, ये NH2 जो हमारा क्या होगा, ये हमारा यूरिया ग्रुप होगा। चूँकि यहाँ पे सल्फर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, थायो यूरिया बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, पेंटेन ग्रुप है, ये हमारा इथाइल ग्रुप है, और ये हमारा सोडियम है। सिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फिर हमें सिंथेसिस के लिए चाहिए हमें डाई इथाइल मेनोलेट चाहिए, थायो यूरिया चाहिए, इथाइल ब्रोमाइड चाहिए और 2-ब्रोमोपेंटेन चाहिए। आइए हम सिंथेसिस की बात करते हैं। अब हम सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, सिंथेसिस ऑफ थायोपेंटेन सोडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल एस्टर ऑफ इथाइल 1-मिथाइल-ब्यूटाइल मेलोनेट का करेंगे। तो हमने जैसा कि ये ले रखा है आपको डाई इथाइल मेलोनेट लिया, उसका हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाए तो हमारा क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव होकर सोडियम यहाँ पे अटैच हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, सोडियम अटैच हुआ। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी जगह दो चीज़ चाहिए थी, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि यहाँ पे एक तो C2H5 चाहिए थी और दूसरा हमारा क्या चाहिए थे, पेंटेन ग्रुप। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इथाइल ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। इथाइल ग्रुप चूँकि इजली वे में वो हम क्या कर सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, इथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव हो गया, जो सोडियम ब्रोमाइड था यहाँ पे सोडियम था और अभी जो हमारा ब्रोमाइड लिया, सोडियम के साथ ब्रोमाइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और इथाइल ग्रुप क्या हुआ, अटैच हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, यहीं पे हमें वो पेंटेन भी चाहिए थी, तो पेंटेन में क्या करेंगे, 2-ब्रोमोपेंटेन लेंगे, 2-ब्रोमोपेंटेन लेकर यहाँ पे हम अटैच करवाएंगे। 2-ब्रोमोपेंटेन यहाँ पे अटैच हो गया, अटैच होते ही हमें क्या दे दिया इसने, डाइथाइल एस्टर ऑफ इथेलाइन इथाइल, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए, जनरल स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने देखा था कि क्या चाहिए हमें, थायो यूरिया चाहिए, थायो यूरिया को ऐड करेंगे, थायो यूरिया को ऐड करते ही क्या होगा हमारा, C2H5 दो कंडेंसेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अलग हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, थायोपेंटेन दे देगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें सोडियम थायोपेंटेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अटैच करवाएंगे, वो किस ऐसे अटैच हो जाएगा सोडियम के साथ और हमारा क्या होगा, थायोपेंटेन सोडियम प्रिपरेशन हो जाएगा।